अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कार्ड बनाना सिखा रही हूँ। एक्चुअली मैंने बर्थडे कार्ड बनाया है, आप लोग इसको एज एनिवर्सरी कार्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कोटेशन चेंज करके, या किसी को बेस्ट विशेस आपको देनी हो तो आप उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने 6x8.5 इंच की कार्ड शीट रेक्टेंगुलर कट कर ली थी और एक पिंक में कार्ड शीट थोड़ी हार्ड वाली ऊपर फ्रंट को फ्रंट पे लगाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए 1 इंच उससे छोटी 5x7 इंच की कट करके और उसको ग्लू गन स्टिक, हॉट ग्लू गन थी मेरे पास तो मैंने उससे पेस्ट कर दिया था। वैसे अगर नॉर्मल ग्लू लेंगे, वाइट ग्लू, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने हॉट ग्लू गन यूज़ करी। इस कार्ड्स को बनाते हुए बहुत सारे ब्लंडर्स हुए मेरे से और मैंने उसको ज़ाया नहीं किया बल्कि उसी को कवर अप किया है। आप आगे आगे देखेंगे कि मेरे से इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई और उसको मैंने किस तरह से ठीक किया। मैंने अंदर कार्ड शीट, मेरी जो वाइट कार्ड शीट थी वो थोड़ी थिन थी, इतनी ज़्यादा वो मोटी नहीं थी, तो मैंने अंदर के लिए भी एक कंप्यूटर पेपर, कंट्रास्ट का कंप्यूटर पेपर रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने वो लेके उसको भी मैंने ग्लू गन से स्टिक कर लिया। आप देख रहे होंगे थोड़ा रफली लग रहा है क्योंकि मैंने ग्लू गन यूज़ किया। अगर आप लोग वाइट ग्लू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा। इसको पेस्ट कर दिया अच्छी तरह, उसके बाद मैंने एक स्टेंसिल लिया और उसको मैंने स्टेंसिल रख के उसके ऊपर पहले उसको मास्किंग टेप से फिक्स करा और उसके बाद उसको टैप टैप करके पेंट स्पॉन्ज से उसको कलर कर दिया। उसके लिए मैंने ये कलर लिया है, ब्लू, टर्किश ब्लू कलर लिया है ये मैंने, और उसको उसके ऊपर टैप टैप के करके उसको अप्लाई कर दिया। आप स्टेंसिल्स कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हर चीज़ में बहुत मायने रखता है। अगर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो वो चीज़ खुद ही अट्रैक्ट कर रही होती है और इंसान उसकी तरफ खुद ही रागब होता है कि ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है तो क्यों ना इसको करीब से देखा जाए या ऐसा काम भी किया जाए, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। मैंने एक कॉर्नर पर और फिर उसी को अपोजिट साइड पर दोनों तरफ मैंने टेक्स्चर दे दिया पेंट से, सिंपली पेंट से। आप टेक्सचर पेज भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। आप देख रहे होंगे जब मैंने वो टैप कर रही थी तो वो साइड में स्पॉन्ज निकल गया और साइड से कार्ड शीट पे कलर आ गया, लेकिन मुझे नीचे फ्लावर बंच लगाना था तो नीचे का मुझे इतना कोई मसला नहीं हुआ और ऊपर मैंने फिर उसको, आप आगे देखें कि मैंने इसको किस तरह से कवर अप किया है। अंदर मैंने एक फ़नी कोट लिख दिया। एक्चुअली ये मैं जिसके लिए बना रही थी वो थोड़ी फ़नी लड़की है तो मैंने उसके लिए कोट मैंने सर्च करके रखा हुआ था और मैंने वो कोटेशन अंदर लिख दी बर्थडे विश करने से पहले। एक साइड पे मैं हैप्पी बर्थडे मेंशन करूँगी और एक साइड पे मैंने ये विश लिख दी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाए। फिर मैंने सिंपल गोल्डन कलर यूज़ किया है, गोल्डन एक्रेलिक को यूज़ करते हुए मैंने इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा है। अगर आप लोग कॉन्ग्रेच करना चाह रहे हैं किसी को तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दें, बेस्ट विशेस देना चाह रहे हैं तो बेस्ट विशेस लिख दें, एनिवर्सरी के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप हैप्पी एनिवर्सरी लिख दें, या जैसे आप लोगों को करना चाहें खुद से आप इनोवेट कर सकते हैं इसके अंदर। आप जैसा चाहें, आप लोग, आर्ट ऐसी चीज़ है कि आप उसको करने लगे तो आपके दिमाग में और आइडियाज़ आने लग जाते हैं। एक चीज़ से आपके पास दसियों आइडिया आ जाते हैं और आप उसको अगर उसी तरह से लेते हुए चलें। आप लोग गौर करें, मुझे हैप्पी की पहले लिखते लिखते मुझे ख्याल है नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, तो फिर मैंने ध्यान दिया तो हाँ मैंने एच के बाद ए की बजाय डब पी लिख दिया था। फिर मैंने उसको कवर अप किया ए और पी, और पी फिर लिखा और पी के अंदर मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ गई ताकि वो दोनों पी मैच हो जाए, गलत ना लगे। कॉर्नर मुझे थोड़े खाली खाली लग रहे थे तो फिर मैंने उसी कंट्रास्ट को जहन में रखते हुए मैंने पर्पल कलर चूज़ किया कि इसके साथ पिंक और वाइट के साथ पर्पल कलर भी बहुत अच्छा लगता है।
फिर मैंने पर्पल कलर से आउटलाइन ड्रॉ करी अपने कार्ड शीट के ऊपर, बोथ साइड पे जो अंदर मैंने कार्ड लगाया है उसके कॉर्नर पे भी, और जो हमारा मेन बेस है उसके कॉर्नर पे भी मैंने एक बारीक सी लाइन, बारीक तो नहीं है बिल्कुल लेकिन थोड़ी बस वाजे हो रही है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, और वो एक लाइन मैंने उसको ड्रॉ करके उसका बॉर्डर बना दिया। मैं मार्कर्स वगैरह से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं पेंट जो यूज़ कर रही हूँ उन्हीं को लेके चलूँ, क्योंकि ब्रश है थोड़ा टाइम गेनिंग काम होता है लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं उसी से, और मार्कर तो कभी ड्राई हो जाए या आपके पास अवेलेबल ना हो, और अगर आप आर्ट काम करते हैं आर्टिस्ट हैं तो आपके पास पेंट तो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ज़्यादातर अपने पेंट्स को ही कवर करूँ अपनी चीज़ों में। मैंने पेंट्स फ्लावर्स दिए, डिफरेंट पिंक और वाइट कंट्रास्ट के फ्लावर्स दिए और उसको हॉट ग्लू गन से स्टिक कर दिया। एक गोल्डन बटरफ्लाई रखी हुई थी मेरे पास, वो मैंने ऊपर वो पेस्ट कर दी, ऊपर जो कलर फैल गया था उसको मैंने इससे छुपाया, और नीचे मैंने फ्लावर अरेंजमेंट तो मुझे पहले से करना था, मैंने सोचा हुआ था, तो कलर भी ऐसी जगह पर लगा कि मुझे ज़्यादा इशू नहीं हुआ, उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मैं उसको किस तरह से करूँ, और जगह जगह जो छोटे मोटे धब्बे पड़ गए थे पेंट के, वो मैंने, मेरे पास पल्स पड़े हुए थे छोटे वाले पल्स थे वो मैंने सब तरफ छोटे छोटे लगा दिए, और जो बड़े पल्स थे वो मैंने बंच के सेंटर में दो पल्स बड़े यूज़ किए हैं और बाकी कार्ड के ऊपर छोटे वाले पल्स लगाए हैं। जो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और मुझे मोटिवेट करें कि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। ये बहुत ही कम टाइम में बन गया था कार्ड, एक्चुअली मुझे देना था जिसको कार्ड देना था उसकी उसी दिन बर्थडे थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कार्ड बना ही रही हूँ तो मैं उसकी वीडियो भी बना लूँ, और हेल्पफुल होगी ये बाकी लोगों के लिए भी, अगर कोई इस तरह का कार्ड बनाना चाहे तो ज़रूर बनाएं। बटरफ्लाई मुझे थोड़ी सी सिंपल लग रही थी, है तो वो गोल्डन, बहुत गोल्डन अपने अंदर एक बहुत ही ब्राइट कलर है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बटरफ्लाई को थोड़ा सा और मैंने फैंसी लुक देने के लिए उसके ऊपर स्मॉल वाले जो छोटे वाले मेरे पास पर्ल्स थे वो मैंने उसको हॉट ग्लू गन से स्टिक कर दिया। मेरा फ्रंट ऑलमोस्ट तैयार है, बस जो हाँ मुझे कमी लग रही थी एक दो पर्ल्स की, वो मैंने वहाँ पर वो कमी पूरी करी, और उसके बाद मैंने को अंदर से थोड़ा सा डेकोरेट करना शुरू किया। जो मैंने अंदर विश लिखी थी वो थोड़े मुझे प्लेन लग रही थी, तो मुझे उसको थोड़ा और फैंसी करना था, थोड़ा उसके ऊपर और डिज़ाइन करना था, तो जो है मैंने उसके ऊपर काम शुरू किया। अब मैंने जैसे ही उसके ऊपर काम करना शुरू किया मुझे लगा कि मैं उसको डॉटेड लाइन से उसको थोड़ा सा हर वर्ड को मैं थोड़ा सा उसको इन्हेंस करती हूँ, अंडरलाइन बना देती हूँ डॉटेड लाइन से। जैसे ही मैंने फर्स्ट वर्ड को करा डॉटेड किया, मैं दोबारा से पेंट में डिप करने लगी, ब्रश मेरे हाथ से स्लिप हो गया, आप देख सकते हैं मेरे हाथ से ब्रश स्लिप हुआ और वो ऊपर दो तीन उसके स्पॉट्स आ गए, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका, मैंने कहा चलें अभी काम करते रहते हैं, आगे कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर आ जाएगा इसको कवर अप करने के लिए, तो फिर लास्ट में देखा जाएगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इसके ऊपर से एक्स्ट्रा पेंट को साफ़ कर दी थी, ये फिर इसी तरह ड्राई हो जाएगा थोड़ी थिक लेयर, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने उसके ऊपर से एक्स्ट्रा पेंट अपनी फिंगर की मदद से, उस वक्त मेरे पास करीब कोई टॉवल वगैरह नहीं था, टिश्यू पेपर नहीं था, तो मैंने हाथ की मदद से फिंगर से उसको एक्स्ट्रा कलर हटाया और मैंने अपना काम कंटिन्यू किया। काम करते करते ही मैं डॉटेड लाइन कर ही रही थी कि मेरे दिमाग में आइडिया आया क्यों ना मैं इसके ऊपर फ्लावर्स बना दूँ। फ्लावर्स बनाए, मेरा कार्ड तैयार हो गया था, और बताइएगा आप लोग ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज़।